युग धर्म पालो, वंदे जगत प्रिय करो, Krishna, Krishna, Hare Krishna.
Krishna, 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 Hare. Krishna, Krishna, Hare, Hare.
हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 आइए चित सार सिंधु सर्वस्व भगवान श्री राधा गोविंद के चरण कमलों का ध्यान करते हुए सभी श्रीमद्भागवत गंगा में प्रवेश करें। सभी हरि भक्तों वैष्णव जनों के चरणों में व्यासपीठ की ओर से आप सभी को मेरा प्रणाम। आज कथा के सप्तम और विश्राम दिवस में आप हम सभी प्रवेश करें। भगवान की इस चर्चा विग्रह की अर्चना करते हुए आज कथा के सप्तम दिवस तक आप हम सभी पहुंच चुके हैं।
जैसा कि प्रथम दिन ही चर्चा की जाती है कि ये श्रीमद् भागवत का जो रस है ये प्रभु की कृपा से आप हम सभी को प्राप्त हुआ है। हम सब बाजार से दिया तो ला सकते हैं लेकिन उसको जलाना स्वयं पड़ेगा। सात दिन श्रीमद् भागवत कथा को हम श्रवण तो कर सकते हैं लेकिन उसके बाद चुनना हमको पड़ेगा कि हमको क्या चुनना है। यद्यपि मैंने बार बार कहा है कि कभी भी व्यक्ति को इस भागवत में श्रवण करते हुए भागवत कहते हुए किसी भी प्रकार का अभिमान नहीं आना चाहिए कि मैंने कथा को सात दिन तक सुना या मैंने कथा को सात दिन तक सुनाया। ये तो वैसी ही बात है, एक गांव में भगवान की विग्रह को मूर्ति को लेकर के गांव की परिक्रमा करनी है। अब उस विग्रह को कहां रखे तो कोई एक खच्चर लिया यानी एक गधा लिया, उस खच्चर के ऊपर एक सिंहासन बनाया और उस पर मूर्ति को रख दिया गया। अब जब वो गधा चला तो रास्ते में जितने भी घर पड़े सब अपने अपने घरों से बाहर आ गए। कोई पुष्प डाल रहा है, कोई आरती कर रहा है, कोई प्रणाम कर रहा है, लेकिन ये आरती ये प्रणाम ये पुष्प ये माला ये किसके लिए थी? भगवान के लिए थी। लेकिन उस खच्चर के हृदय में क्या आया, उस गधे के हृदय में क्या आया कि देखो मैं कितना महान हूं कि दुनिया मुझे देखते ही प्रणाम करने लग जाती, मैं कितना पूजनीय हूं कि मुझे देखते ही दुनिया फूल डालने लग जाती, कितना सम्मान है मेरा। लेकिन जब कलश यात्रा खत्म हुई, शोभा यात्रा खत्म हुई, मूर्ति को उतार दिया गया और जब मूर्ति को उतारा गया तो अब उस गधे की क्या कीमत रही? अब कोई फूल चढ़ाएगा? पुष्प छोड़िए, जो उस गधे का मालिक था वो डंडा लेकर के उसको कि चल हो गया काम, अब आगे पर।
वैसे ही हमारी भी जो हैसियत है वो उस खच्चर के जैसी है। जब तक हृदय में ठाकुर विराजमान है या भागवत जी विराजमान है तब तक खूब सम्मान पुष्प चढ़ाया जाएगा, आरती की जाएगी, लेकिन उस खच्चर के जैसे अगर हम अभिमान करके बैठ जाएं कि ये सम्मान हमारा है तो ये एक मूर्खता है, क्योंकि सम्मान जीवों का नहीं होता, सम्मान जगदीश का होता है। आप मुझे मालूम है आप जितने भी श्रोता आते हैं इस व्यासपीठ को खूब सम्मान देते हैं, इतना कि मैं शब्दों में भी वर्णन नहीं कर सकूं। शायद ही इतना प्रेम, इतना स्नेह किसी को प्राप्त होता है। ये सिर्फ मेरी बात नहीं है, इस व्यासपीठ पर कोई भी बैठेगा उसको प्रेम मिलेगा, उसको स्नेह मिलेगा, उसको आदर मिलेगा, लेकिन उसको ये भूलना नहीं चाहिए कि वो आदर उसका नहीं है, वो जिस पीठ पर बैठा है यानी जिनके चरणों में बैठा है ये आदर उन भगवान श्री राधा गोविंद का। खच्चर जैसी हालत ना हो जाए, प्रार्थना करें भगवान से, प्रभु हम कभी भी इस प्रेम का, इस स्नेह का मोल तो नहीं दे पाएंगे, लेकिन कभी भी मेरे हृदय में प्रभु इसका अभिमान ना आ जाए, वो संभाल के रखना आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि भटकने में समय नहीं लगता, वो केवल आप संभाल सकते हैं। मुझे नहीं पता किस मार्ग पर कितनी बाधाएं हो सकती हैं, कितनी रुकावटें हो सकती हैं, लेकिन अगर आप मेरे साथ हो और आपकी कृपा मेरे साथ है वास्तविकता में अगर जीव समझ जाए तो उसको मालूम पड़ेगा कि जिस चीज को वो मान करके अपना समझता है वास्तविकता में वो उसका है नहीं। आपके हृदय में वो बैठा बैठा सुन रहा है, मेरे हृदय में बैठा बैठा कहलवा रहा है, तो फिर इसमें अभिमान का तो कोई स्थान ही शेष नहीं बचता। मुझे कुछ नहीं आता और लोगों ने बहुत समझ लिया, मुझे
कुछ नहीं आता और लोगों ने बहुत समझ लिया। ये देखकर कहीं तो है वो, ये मन ने समझ लिया। इस बात को देखकर के समझ आ गई कि कहीं तो वो है। एक बात बड़ी सुंदर मुझे बड़ी अच्छी लगती है और कई बार मैंने कही भी है कि कई लोग पूछते हैं कि भगवान है तो नजर क्यों नहीं आता, लेकिन भक्त कहता है कि अरे पगले, कौन कहता है कि वो नजर नहीं आता, एक वही तो है, जब कोई नजर नहीं आता तो वही नजर आता है। तब उस समय इस श्रीमद्भागवत रूपी चिंतामणि जो कि समस्त कामनाओं को पूर्ण करती है, समस्त इच्छाओं को पूर्ण करती है, आपने 7 दिन तक कथा सुनी, अब भागवत आपसे पूछती है क्या चाहिए तुझे, क्या मांगना है तुझे। ऐसी कौन सी चीज है जो तू इस भागवत से पाना चाहता है? भक्त प्रार्थना करता है, हे प्रभु, धन दौलत मान अपमान, धंधा वस्तु, ये तो तू उनको देता है, जिनके ऊपर वास्तविक कृपा नहीं करनी हो, देवताओं ने कहा है श्रीमद् भागवत में कि ये कोई देने में देना नहीं है। अगर तू धन दे भी देगा तो एक दिन तो नष्ट होना है, अभी तो खत्म होगा, हमेशा नहीं चलने वाला। अगर तू कोई संबंध भी देना चाहता है तो वो भी एक दिन तो उसका नाश होगा ही होगा। तो फिर भगवान ने पूछा कि ना तुझे धन चाहिए, ना वस्तु चाहिए, ना संबंध चाहिए, तो फिर बता तुझे क्या चाहिए। तो भक्त ने कहा कि हे प्रभु, मुझे तेरी वास्तविक कृपा चाहिए। वास्तविक कृपा क्यों, वास्तविक लगाने की क्या आवश्यकता है, कृपा तो कृपा है। क्या नहीं, ये समाज में होता है कि कृपा का मतलब कोई समझ ही नहीं पाता। कोई पूछे कि क्या तुम्हारे ऊपर कृपा है तो हम बड़े शान से कहते हैं हाँ कृपा है, लेकिन प्रभु मुझे आपकी वो कृपा चाहिए जिससे मैं आपको पा सकूं, जिससे मैं आपको प्राप्त कर सकूं, क्योंकि मुझे मालूम है मेरे जैसे लाखों करोड़ों
आपके द्वार पर आते हैं, मेरी तो उनमें क्या औकात है, लेकिन जैसे एक कोई छोटा बच्चा चांद को प्राप्त करने के लिए मचल उठता है, मुझे चांद चाहिए, लेकिन वो बिचारी माँ सोचती इसको कहां से चांद लाके दूं, पर फिर भी उसे चांद चाहिए, बहुत दूर है, कोई अता पता नहीं है। लेकिन फिर भी जी मचल उठा तो मचल उठा, कब मिलेगा, कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा नहीं पता, लेकिन इतनी प्रार्थना है कि हे प्रभु भक्त कहता है बड़ी सुंदर लाइन है, हे प्रभु मुझे सब तेरे, जैसे भी हैं आपके हैं,
अच्छा हो या बुरा हो, जैसा भी हो तुम्हारा अच्छा स्वामी। तुम हो पतित पावन, अवगुण भरा हृदय है, कैसे मैं सर झुकाऊं। हे प्रभु, मैं जानता हूं कि मैं आपको केवल आपकी कृपा से पा सकता हूं, इसलिए इतनी कृपा करें कि मुझ में वो सामर्थ्य आए, मुझ में वो शक्ति आए कि मैं आपके इस नाम के मार्ग पर चलता रहूं। क्योंकि कई बार शक्ति टूटने लगती है, उम्मीद टूटने लगती है, लेकिन उस समय भगवान का नाम सहारा बनता है। इसलिए मैं जानता हूं प्रभु कि अगर आप कृपा करें तो ही मैं आपको प्राप्त कर सकता हूं। अवगुण भरा मेरा हृदय आपको पा सकेगा केवल आपकी कृपा से, इसलिए मुझे आपकी अनंत कृपा चाहिए। इसके अलावा मेरी कोई मांग नहीं है आपसे, और आप दोगे भी तो भी मैं उसको स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हूं। हाँ, जिस दिन आप मुझे अपना कह करके अपनाएंगे, उस दिन मुझे लगेगा कि मैंने कुछ पाया है, मैंने कुछ किया है। इसलिए भगवत कृपा के अलावा क्या मांग सकते हैं उनसे। भगवान के पास अगर सबसे कोई कीमती चीज है तो वो क्या है, क्या है? भगवान के पास सबसे कीमती चीज वो खुद है, उससे बड़ी कीमती चीज उनके पास कुछ नहीं। तो ऐसी छोटी छोटी चीजें मांग के मैं क्या करूं, तेरे पास जो सबसे बहुमूल्य है वही मुझे दे दे। खैर, ये मिलेगी कैसे, ये कृपा
प्राप्त कैसे होगी। श्री चैतन्य महाप्रभु को एक श्लोक बड़ा प्रिय था, जिसको सुनते थे तो महाप्रभु जी का रोम रोम रोमांचित होता था। कह रहे हैं, कृष्ण रस भाविता मती है, जोर जोर से आवाज लगा के कह रहे, खरीद लो खरीद लो खरीद लो। किसी ने पूछा, खरीद लो खरीद लो, पूछा कि कौन सा विज्ञापन है, क्या बेच रहे हैं आप? तो कहा, कृष्ण रस भाविता मती, कृष्ण रस से परिपूर्ण मती खरीद लो, कृष्ण रस से भरी हुई बुद्धि खरीद लो। भक्ति जो सराबोर हो ऐसी मती खरीद लो। पूछा कि कहाँ मिलेगी, क्या जहां से मिलेगी उसका कोई नियम है? तो कहा कि ये तो कुतोपि लभ्यते, कहीं से भी मिल सकती है, किसी चंडाल से भी मिल सकती है, किसी सूत्र से भी मिल सकती है। ये बुद्धि, ये मति, ये किसी जाति का भेद नहीं रखती, कृष्ण रस से परिपूर्ण बुद्धि कहीं से भी प्राप्त हो सकती है। तो अगली बार पूछा किसकी कीमत क्या है, कितने पैसे में मिलेगी? तो फिर कहा, तत्र मूल्यमपि लौल्य केवलम, इसका इसकी जो मूल्य है, इसका जो आपको अगर इसको क्रय करना है तो क्या चाहिए? बोले जैसे कभी कभी किसी व्यक्ति को डायबिटीज हो और उसको मीठा खाने के लिए मन एकदम मचल उठे कि बस कहीं से भी खाना है, कहीं से भी प्राप्त करना है, वैसे ही इस मति को खरीदने का जो शुल्क है वो ये है कि इस बुद्धि को खरीदने के लिए आपके मन में लौल्यता, मतलब कैसे भी तीव्र इच्छा जागे कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, यही इसका शुल्क है। मांग हो इसकी, हृदय में पीड़ा बढ़े कि ये मुझे चाहिए। क्या पुण्य करें, क्या दान करें जो ये मति मिले? तो कहा कि ये दान पुण्य से नहीं मिलती, सबसे मुख्य बात इस श्लोक की ये है, अंत में कह रहे हैं कि ये मति कैसे मिलेगी? कहा ये मति मिलेगी प्रेमियों का संग करने से, भक्तों का संग करने से। तुम भक्तों का संग करो, बैठे बैठे ये भक्ति, ये मति तुम्हें प्राप्त होगी। इस मैं बार बार कहूँ कि ये पांडाल को महान क्यों बताया जाता है? कथा तो टीवी पर भी आती है, टीवी पर भी सुन सकते हैं और सुनते भी हैं बहुत लोग जो यहाँ आने में असमर्थ हैं, लेकिन फिर भी बार बार संत कहते हैं कि टीवी पर आप सुन लीजिए, वहाँ भी आपको फल तो प्राप्त होगा, लेकिन वहाँ फल मिल सकता है, लेकिन अगर आनंद लेना है डूब डूब के नहाने का तो उसके लिए तो गंगा जी में ही आके बैठना पड़ेगा, वहाँ ग्लास में लेके बस छींटा मार सकते हो, बस इतना हो सकता। पर अगर नाक बंद करके डुबकी लगानी तो गंगा में ही जाना पड़ेगा। तो बार बार कहते हैं ये स्थान महान, स्थान महान इसलिए है क्योंकि यहाँ कथा तो मिलती ही मिलती है, लेकिन यहाँ इतने सारे भक्तों का दर्शन प्राप्त होता है। युधिष्ठिर जी ने भीष्म दादा से पूछा कि भक्ति को हृदय में स्थापना करने का कैसे हो सकती है? तो कहा, महात्मा नाम तु चरितम श्रोतव्यम नित्य एव है, तुम भक्तों का चरित्र रोज श्रवण करो, भक्तों का सानिध्य प्राप्त करो, तो आपको स्वतः ही भगवत कृपा प्राप्त हो जाएगी। अच्छा,
और सरल भाषा में श्रवण करिए। वैसे कई बार आपने सुना होगा ये कथा के माध्यम से, क्योंकि ये दृष्टांत मुझे बड़ा प्रिय है, इसलिए मैं बार बार उसको, कि भक्तों का साथ करने से क्या होता है, ये भक्तों का साथ करने से ये लाभ होता है, ये फायदा होता है कि श्रेष्ठ का जब संग किया जाता है तो आप भी स्वतः ही श्रेष्ठ बन जाते हैं। कैसे बन जाते हैं? ऐसे बन जाते हैं कि कोई व्यक्ति हो, उसका प्रोफेशन है कि वो डॉक्टर है, ये उसका प्रोफेशन है, उसका व्यवसाय है, किंतु उसकी शादी हुई और उसकी पत्नी आ गई, और पत्नी को जबकि कुछ भी नहीं आता, ना उसको कोई सर्जरी आती है, ना उसको कोई मेडिसिन देना आता है, लेकिन फिर भी जब उससे पूछेंगे कि ये कौन है तो क्या बोलेंगे, कौन है ये? ये है डॉक्टर ने, क्यों जी आपने कोई कुछ ऑपरेशन किए हैं क्या? बोला नहीं, डॉक्टर की पत्नी तो डॉक्टर नहीं हुई। सरकारी स्कूल के मास्टर जी है और उनकी धर्म पत्नी है, उनको क्या बोलेंगे? मास्टर नहीं। हमारे मंदिर के पंडित जी है, पंडित जी की धर्म पत्नी है, उनको क्या बोलेंगे? पंडितानी जी। जबकि पंडितानी जी से आप पूछे एकाध श्लोक आते? नहीं आते, पर फिर भी इनके नाम के पीछे ये लगाया जाएगा। क्यों? क्योंकि श्रेष्ठ का साथ पा करके आपकी गिनती भी श्रेष्ठ लोगों में होने लगती है। आप संत का साथ पाएंगे, आप भक्त के साथ रहेंगे, तो जैसे डॉक्टर के साथ रहने वाली डॉक्टरनी, मास्टर के साथ रहने वाली मास्टरनी, पंडित के साथ रहने वाली पंडितानी, वैसे भक्त के साथ आप रहो, भले कुछ नहीं करते हो पर भक्त के साथ रहने से आपके ऊपर टैग लग जाएगा कि आप भी भक्त हैं, आप भी भक्त हैं। भगवान भी कभी देखेंगे कि आप उस भक्त के साथ बातें कर रहे थे और भगवान ने आपको देख लिया, वो उसी से खुश हो जाएंगे कि मेरे भक्त के साथ खड़ा था, मतलब भक्त ही होगा। इसलिए भक्तों का सानिध्य, प्रेमियों के संग करने से ये मति प्राप्त होती है, ये बुद्धि प्राप्त होती है। बड़े कृपा से, बड़ी ही प्रभु की अनुकंपा से आप हम सब इस कथा में लगातार 7 दिन तक पधारे, और आज पुनः ये कथा विश्राम की ओर बढ़ती जा रही है। आज 7वें दिन आप हम सभी इस कथा के माध्यम से अपने आप को, क्योंकि श्रोता कुछ तो श्रोता होते हैं जो कथा का केवल आयोजन देखने आते हैं कि कथा का आयोजन कैसा है, टेंट कैसा है, माइक कैसा है, वक्ता कैसा है, कुछ कथा का आयोजन देखने आते हैं, और कुछ श्रोता ऐसे होते हैं जो अपने जीवन की योजना बनाने यहाँ आते हैं। उनको आयोजन से मतलब नहीं, उनको जीवन की योजना से मतलब। तो कहीं ना कहीं आप सब एक सच्ची श्रोता की श्रेणी में आते हैं, और यही प्रार्थना करते रहे कि प्रभु हमारे अंदर ये जिज्ञासा ऐसी ही बढ़ती रहे और हम ऐसे ही इस सत्संग से जुड़े रहें। तो आइए थोड़ा जो कथा का क्रम बचा हुआ है उस शेष क्रम को हम सब पूरा करें आज कथा के माध्यम से, और इस कथा को विश्राम की ओर लेकर के जाएंगे। द्वारिका की लीलाएं कल से प्रारंभ हो गई, जिसमें से प्रथम लीला भगवान की मां रुक्मणी जी के साथ विवाह किस प्रकार हुआ, ये लीला है। आपने कल ब्रज की कथा भी सुनी, उद्धव गोपी संवाद भी सुना,
महाराज की कथा भी सुनी और गोपियों का भाव भी सुना कि गोपी श्री कृष्ण के प्रति कितनी समर्पित थी। और आज फिर भी मैं इस बात को दोहरा दूं कि कृपया गोपी का मतलब किसी स्त्री शरीर से ही मत समझना, गोपी एक पुरुष भी हो सकता है अगर उसमें गोपी के जैसा कृष्ण के प्रति समर्पण है और प्रेम है, पुरुष भी गोपी हो सकता है। आप आज भी ब्रज में जाएं तो आप देखते होंगे कई बार वृंदावन में, मथुरा बरसाने में, आज भी कई ऐसे भक्त हैं जो गोपी का भाव ही रखते हैं अपने अंदर। वो है पुरुष भाव लेकिन फिर भी वो गोपी का भाव ही रख करके प्रभु को रिझाते, क्योंकि वो जानते हैं भगवान स्त्रियों का जो दिल होता है, जो हृदय होता है, वो बड़ा बड़ा स्वच्छ होता है, बड़ा निर्मल होता है। कहते ना कि कोई बोला कि स्त्रियों में बुद्धि कम होती है, बात बिल्कुल सच है। स्त्रियों में बुद्धि कम ही होती है, क्यों? क्योंकि दुनिया बुद्धि से सोचती होगी लेकिन जब किसी स्त्री की बात आती है तो वो केवल केवल दिल से सोचती है। इसीलिए भगवान को स्त्री भाव बड़ा प्रिय है। और वृंदावन मथुरा ही क्यों जाओ, आप हमारे यहीं आ जाओ। हमारे यहाँ भी एक गोपी है जो अपने आप को श्री ठाकुर जी की गोपी समझ करके अपने, इनका नाम वैसे लखन दादा है लेकिन आप जो गोपी के भाव में रह के वंशी बजा के जो ठाकुर जी को रिझाते। कल भी हम जा रहे थे गाड़ी में तो चर्चा हो रही थी कि अपने वाद्य के प्रति बड़ा समर्पण है, कौन देख रहा है कौन नहीं देख रहा कोई मतलब नहीं, वो अपनी बांसुरी लेकर के बस लगे रहते हैं। और पूरा 3 घंटे भी बोल दो तो 3 घंटे भी बजा सकते। वैसे तो ये प्रभु की कृपा है, केवल वही नहीं हमारे जितने भी साथ में साथी जो भी इस संगीत में साथ देने वाले सब एक से एक बढ़कर हैं। इनके लिए एक बार जोरदार ताली। हाँ ये बात अलग है कि सब हर क्षेत्र में अपनी जीविका भी निर्वहन करते हैं लेकिन जो आप सभी का जो समर्पण है, जो प्रेम है अपने अपने वाद्य से और भगवान की कथा से, वो सचमुच एक विशेष है। और भगवान ऐसे ही उसको सदा सर्वदा बनाए रखे, ऐसी ठाकुर जी से हमेशा प्रार्थना है। तो अरे भैया एक फोटो दिखा दो ना, सबका दिखाते हो आप बैठे हो कुर्सी पे। एक बार सबको घर बैठे हैं जो उनको शक्ल तो दिखनी चाहिए सबकी कि कौन कौन है, कैसे कैसे है, किस रूप में क्या क्या बजा रहे। वैसे तो देखते ही रहते अपने जब जब भजन आता है बीच में, किंतु ये सभी हम सभी एक पूरे परिवार के जैसे इस यात्रा पर निकले हैं। और भगवान नाम प्रचार में जिसकी जो जो सेवा भगवान ने सौंपी है वो अपनी सेवा बड़े ही समर्पण के साथ निभा रहे हैं। और ऐसे ही ये पूरा यात्रा परिवार चलता रहे और हम हरि नाम प्रचार ऐसे ही करते रहे। तो गोपी भाव, गोपी की चर्चा कल कथा के माध्यम से की गई। और फिर भगवान श्री कृष्ण के विवाह का वर्णन श्री सुखदेव जी करते हैं। समय नहीं है ज्यादा इसलिए संक्षेप में श्रवण करेंगे। और संक्षेप में श्रवण करते हुए भगवान की आगे की जो लीलाएं हैं उनका दर्शन श्रवण करेंगे। भगवान श्री कृष्ण का दूसरा विवाह
देवी जामवती जी से हुआ, जो जामवंत महाराज की पुत्री थी। सत्राजित नाम के व्यक्ति ने भगवान पर आरोप लगाया कि भगवान ने मेरे भाई की हत्या की, लेकिन भगवान फिर भी शांत मन उस जो दोष लगाया गया है उस दोष से अपने आप को मुक्त करते, क्योंकि जाकी रही भावना जैसी हरी मूरत देखी तिन तैसी। जिसने भगवान को जैसे देखना चाहा उसने वैसे देखा। आज सत्राजित ने भगवान को अपना शत्रु माना, फिर भी भगवान ने उनके उस दोष का नाश किया, मणि को लाके वापस सौंपा और सत्राजित के जो हृदय में जो गलत भावना थी उसको दूर किया और जामवती के साथ विवाह किया। और सत्राजित की पुत्री सत्यभामा के साथ भी भगवान ने विवाह करके उन पर कृपा की। तृतीय भगवान की पटरानी सत्यभामा हुई। भगवान श्री कृष्ण की चतुर्थ पटरानी जिनका नाम माँ कालिंदी है, माँ यमुना जी के साथ भगवान ने विवाह किया। पांचवी पटरानी भगवान की मित्रविंदा हुई। छठवीं पटरानी देवी सत्या हुई। सातवीं पटरानी देवी भद्रा हुई। और आठवीं भगवान की जो मुख्य पटरानियों में से एक है वो है माँ लक्ष्मणा। आठ भगवान की मुख्य पटरानी हुई और 16,100 रानी हुई। 16,000 कैसे हुई? भोमासुर नाम का दैत्य जिसने कन्याओं को बंदी बनाया था और विचार किया कि इन सब के साथ विवाह करूंगा, लेकिन इन सब कन्याओं ने कारागार में ही रहकर के श्री कृष्ण की पुकार लगाई, हे प्रभु आप हमारी रक्षा करने के लिए पधारे। भगवान पधारे, भोमासुर के साथ युद्ध किया और भोमासुर को हरा करके उसका उद्धार करके इन सभी कन्याओं से कहा कि तुम सब अपने अपने घर चली जाओ। लेकिन कन्याओं ने प्रार्थना की, नहीं प्रभु अब हमारा इस दुनिया में कोई नहीं है, केवल आप हैं और हमने सुना है कि जो आपकी शरण में आता है आप उसके विश्वास को कभी टूटने नहीं देते। आज हम आपकी शरण में आए हैं, हमारे विश्वास को भी प्रभु आप टूटने न दे और हमको स्वीकार करें। प्रभु जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना, कभी टूट न जाए मेरा जो विश्वास है प्रभु उसको हमेशा बनाए रखेगा, भक्त प्रार्थना करता। आइए हम सब भी प्रार्थना करते। लागी लगन मत तोड़ना, लागी लगन मत तोड़ना, लागी लगन मत तोड़ना, लागी लगन मत तोड़ना। प्रभु जी मेरी लागी लगन मत मेरी लागी लगन।
बस्ती बसाई मैंने तेरे नाम की, बस्ती बसाई मैंने तेरे नाम की, गृहस्थी बसाई मैंने तेरे नाम की, गृहस्थी बसाई मैंने तेरे नाम की। मेरे भरोसे मत छोड़ना, मेरे भरोसे मत छोड़ना, मेरे भरोसे मत छोड़ना, मेरे भरोसे मत छोड़ना, प्रभु जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना, प्रभु जी मेरी लागी लगन मत छोड़ना, हरि जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मेरी लागी लगन मत छोड़ना। दल हाथ उठा के सभी लोग भाव से ताली बजा। जल है गहरा नाव पुरानी, 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 बीच भवन मत छोड़ना, बीच भवन मत छोड़ना, बीच भवन मत छोड़ना, बीच भवन मत छोड़ना, हरि जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मेरी लागी लगन मत छोड़ना, प्रभु जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना, प्रभु जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना। दासी की विनती सुन लीजो, 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 हाथ पकड़ मत छोड़ना, हाथ पकड़ मत छोड़ना,
भगवान ने इन समस्त कन्याओं के, इन समस्त राजकुमारियों के विश्वास को बना के रखा और इन सबको भगवान ने स्वीकार करते हुए इनके साथ विवाह किया और इन सबको अपना नाम दिया। इस प्रकार भगवान की 16,108 पटरानियां हैं, जिन रानियों के 10-10 पुत्र हुए और इस सारे वंश को भगवान चला रहे हैं, वो इसके मुखिया हैं। क्योंकि मुखिया का जो दायित्व होता है वो भी बड़ा संवेदनशील होता है और बड़ा गहरा होता है कि वही उस परिवार को कैसे चला सकता है। भगवान कृष्ण इस दायित्व को बड़े आनंद के साथ, बड़ी ही सहजता के साथ निर्वहन करते हैं। फिर भगवान ने जरासंध का उद्धार किया। पांडवों ने राजसु यज्ञ का आयोजन किया, जिस यज्ञ में भगवान की अग्र पूजा की गई। अग्र पूजा मतलब कि सभा में सबसे सम्माननीय व्यक्ति कौन है, तो पूछा गया कि सभा में सबसे सम्माननीय व्यक्ति कौन है, तो सबके मुख से बस एक ही नाम निकला और वो था कृष्ण। कृष्ण ही अग्र पूजा के सच्चे अधिकारी हैं। सब राजी हो गए। अब इस सूचना को कृष्ण भगवान तक पहुंचाओ और उनको आगे बुलाओ कि आपकी अग्र पूजा होनी, आप आगे आइए। तो देखा तो श्री कृष्ण का सिंहासन तो खाली है। कृष्ण ने पूछा कहाँ है कृष्ण। भीम दादा बोले अभी तो यहीं थे, पता नहीं कहाँ चले। अर्जुन तू देख क्या कहाँ है, नकुल सहदेव जाओ देख क्या श्री कृष्ण कहाँ है, पूजा का समय हो गया है, उनकी आज अग्र पूजा होनी है। तो पूरे पांडव मिलकर के कृष्ण को ढूंढ रहे हैं, पूरे महल में ढूंढ लिया, पूरे छत पर ढूंढा, सबके कक्षों में ढूंढा, कहीं कृष्ण नहीं मिले। लेकिन जब बाहर आए तो देखा श्री कृष्ण अपनी चप्पलें उतार के पीताम्बर कमर में बांध करके, जितने भी लोगों ने भोजन करके पत्तल फेंक दी थी उनकी पत्तल अपने हाथ से उठा उठा के बाहर ले जा रहे थे। ये है श्री कृष्ण, जिनको सम्मान का कोई भान नहीं। कोई मुझे सम्मान करे ना करे, माला पहनाए ना पहनाए, मुझे उससे क्या लेना देना। और खुद वहां जाकर के झूठी पत्तलों को उठा रहे। कृष्ण की यही महानता। इस चीज को
कहीं ना कहीं हर व्यक्ति को शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। कम से कम कृष्ण भक्त जो हम अपने आप को कहते हैं, हम तो इस चीज को माने। जब कृष्ण इतने बड़े होकर के ये कर सकते हैं तो हम तो उनके दास हैं, हमारा तो इस दुनिया में कोई औकात भी नहीं है, तो फिर हम क्यों सोचे कि भगवान कृष्ण बड़े ही शांत चित्त झूठी पत्तले उठा करके, क्योंकि बड़ा हमेशा वही बनता है जो छोटा बन के रहता है, जो दूसरों को सम्मान देता है उसका सम्मान स्वतः ही अपने आप होने लगता है। जो दूसरों का सम्मान छीनेगा उसका सम्मान क्या भगवान कभी टिकने देंगे? स्वतः ही जो व्यक्ति दूसरों की प्रशंसा, दूसरों का सम्मान करे, स्वतः ही भगवान उसके सम्मान में और बढ़ोतरी कर देते। इसलिए कृष्ण झूठी पत्तले उठा करके बाहर फेंक रहे हैं। लोगों ने कहा कि प्रभु क्या कर रहे हैं आप झूठी पत्तले उठा रहे हैं, आप तो इतने सम्माननीय व्यक्ति हैं। भगवान ने कहा कि नहीं नहीं भैया, मुझे ये कार्य करने में आनंद आता है, इसलिए मैं ये कर रहा हूँ। मुझे मान अपमान का कोई लोभ नहीं है, मैं तो प्रसन्न हुई इस कार्य को करने में। नहीं नहीं प्रभु, आप ये बाद में कर लीजिएगा, पहले आइए, अग्र पूजा की तैयारी हो चुकी है, आप सम्मान ग्रहण करिए, फिर वहां से आइए। भगवान को पूजा के लिए बैठाया गया, लेकिन शिशुपाल से रहा नहीं गया, क्योंकि वो सोच के आया था कि मेरी अग्र पूजा होगी, मुझे बिठाया जाएगा। लेकिन जब उसने देखा कि उसका किसी ने नाम तक नहीं लिया अग्र पूजा में और कृष्ण को बिठा दिया गया, तो उससे रहा नहीं गया और खड़ा होके क्रोध में आकर के जोर जोर से भगवान कृष्ण को गालियां देने लगा कि ये अग्र पूजा का अधिकारी नहीं है, ये सम्मान का अधिकारी नहीं है, ये चोर है, ये झूठा है, ये असत्यवादी है, ये झूठ बोलता है, इसने ब्रज में कितनी चोरी की। अरे ब्रज की चोरी तो छोटी मोटी थी, माखन चुराया, पर अब तो ये लोगों की बहू भी चुराने लगा, क्योंकि खुद की चली गई थी ना, तो इसलिए हृदय में जलन भरी बैठी थी, वो निकल के बाहर आ गई आज मौका मिला तो। भगवान कृष्ण सुनते रहे, शांत रहे, 100 गाली दी भगवान तब भी शांत रहे, कुछ नहीं बोले, लेकिन 100 गालियों से जब आगे बढ़ा तो भगवान ने सुदर्शन चक्र निकाला और शिशुपाल का सर धड़ से अलग कर दिया और उसका उद्धार किया। इस प्रकार भगवान की अग्र पूजा होती है। फिर श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित को भगवान के एक परम भक्त परम मित्र की कथा श्रवण करा रहे हैं। आप हम सब भी इस दिव्य सुदामा जी के इस चरित्र में प्रवेश करें और इस सुदामा के जीवन को देखते हुए अपने जीवन में कुछ ना कुछ ऐसा किया जाए कि भगवान जैसे सुदामा पर खुश हो गए। हम कह तो देते हैं बड़ी आसानी से कि सुदामा का भगवान ने न धन देखा, न घर देखा, घर कितना बड़ा है कितना छोटा है, परिवार कैसा है, वंश क्या है, कुछ नहीं देखा। बड़े सम्मान से कह देते हो, जब ये सुनते हैं तो रोना भी आ जाता है, लेकिन जब बात हमारी आती है, जब जीवन में स्वयं ये घटना घटती है, तब हमें सब चीजें दिखाई देती हैं। लेकिन भक्त वत्सल भगवान ने सब कुछ छोड़ के कैसे सुदामा पर कृपा की, आइए सभी सुदामा के इस दिव्य चरित्र में प्रवेश करें। भगवान का मित्र, नाम सुदामा, गांव वृंदापुर,
पत्नी सुशीला, पिता आत्मदेव और प्यारे प्यारे दो बाल गोपाल हैं। इस ग्रस्त को ग्रस्त ना समझ करके प्रभु की दी गई जिम्मेदारी समझ करके सुदामा अपने ग्रस्त का पालन कर रहे हैं। ना तो पत्नी मेरी है, ना बच्चे मेरे हैं, हाँ भगवान ने मुझे दायित्व दिया है कि तुम इनकी रक्षा करो, तो कर रहा हूँ। बाकी मूल उद्देश्य तो मेरा भगवान को प्राप्त करना है, इसलिए अपने भजन में लीन रहते हैं, भजन में लीन, माया से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं। भगवान कहते कि माया जो जो मेरा स्मरण करता है उसको माया कभी पकड़ ही नहीं सकती। माया तो उसको पकड़ती जो मेरा स्मरण छोड़ करके दिन भर इधर उधर बस देखते रहते, उनको माया पकड़ेगी। जो इधर गुण देखेंगे उधर दोष देखेंगे, अगर गुण और देश दोष कुछ भी देखा जाए तो क्या होगा, बोले आसक्ति होगी। कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती और ना काहू से बैर। अगर गुण देखेंगे तो आसक्ति होगी और दोष देखेंगे तो ईर्ष्या हो जाएगी। ईर्ष्या किससे होती है, आपने देखा होगा इस दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो आपस में जलते रहते हैं, ईर्ष्या करते रहते हैं। मैंने कहा आज के जमाने में माचिस की जरूरत नहीं आग लगाने के लिए, आज के जमाने में तो आदमी आदमी से जलता है, माचिस की भी आवश्यकता नहीं। तो ईर्ष्या किससे होती है, अगर आप किसी से ईर्ष्या करते हो तो इसका मतलब आप ये बात सिद्ध कर रहे हो अपने आप कि आप उससे छोटे हो। हमेशा ईर्ष्या किससे होगी, जो आपसे बड़ा होगा, आपसे छोटे से तो ईर्ष्या हो नहीं सकती। अब कोई बड़ा देश का राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, उसको क्या किसी भिखारी से ईर्ष्या होगी, हो नहीं सकती। ईर्ष्या किससे होगी, जो उससे बड़ा होगा, उससे बड़े पद पर होगा, उससे ईर्ष्या होगी। मतलब ईर्ष्या हुई तो आपने खुद ये साबित कर दिया कि मैं इससे छोटा हूं। आप खुद इस बात को स्टैंप पर लिख के दे रहे कि हम इससे छोटे, इसलिए हमको इससे ईर्ष्या। ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर, ऐसा जीवन सुदामा जीते हैं। धन कितना है, बोले धन की तो पूछो नहीं, घर में एक फूटी कौड़ी भी रहती नहीं थी। बस एक ही उपाय था जीविका निर्वहन करने का, कि नियम ले रखा था कि हम ब्राह्मण हैं तो ब्राह्मण का नियम कहता है कि पांच घर से भिक्षा मांगना चाहिए, तो पांच घर से भिक्षा मांगते थे, मिल जाए तो ठीक, नहीं तो हरि नाम भजते थे। धन बिल्कुल नहीं था, पर फिर भी बड़े सुखी थे, बड़े आनंद में जी रहे थे। कोई अपने जीवन से किसी भी प्रकार की ना शिकायत थी, ना भगवान से किसी भी प्रकार का कोई मांग थी, बस अपने जीवन को आनंद से व्यापन कर रहे थे। एक दिन सुशीला ने कहा, स्वामी मेरी बड़ी इच्छा है कि आप एक बार अपने मित्र से मिलने के लिए द्वारिका चले जाएं। सुदामा ने कहा, सुशीला तू ही बता कैसे जाऊं, तू तो जानती है ना बचपन में क्या हुआ था, क्या घटना घटी थी, किस मुख को लेके उसके पास जाऊं, क्या कहेगा वो, कैसा आदमी है, बचपन में धोखा दिया और आज फिर आ गया,
सुशीला कहती है, स्वामी आप एक बात बताइए, आपको अपनी प्रतिष्ठा इज्जत ज्यादा प्यारी है या कृष्ण का दर्शन ज्यादा प्यारा है? सुदामा कहते, मुझे तो कृष्ण मिलन सबसे प्यारा है। तो फिर क्यों सोच रहे हैं कि कृष्ण क्या सोचेगा, लोग क्या कहेंगे? भूल जाइए अपनी प्रतिष्ठा को, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, धक्के दे के भगा दिए जाओगे, लेकिन कम से कम कृष्ण का दर्शन तो हो जाएगा, वो किसी से कम है क्या? इतनी बड़ी चीज आपको मिल जाएगी। इसको कहते पत्नी, जो धर्म में उसे जोड़ रही है, जो कह रही है कि नहीं तुम चलो, तुम जाओ कृष्ण का दर्शन करो। इसीलिए धर्म पत्नी इसलिए कहा गया है कि धर्म में एक दूसरे के सहायक बने, धर्म में एक दूसरे की मदद करें। कथा में भी आप आते हैं तो माताएं बहनें भी, भाई लोग भी, आप यहाँ तो आ ही रहे हैं पर घर में भी, अपने घर में भी रहते तो कुछ समय के लिए बैठ करके थोड़ा भगवत चर्चा करें। सुशीला अपने पत्नी धर्म को निभा रही, रास्ते में रुकावट नहीं बनी, प्रेरणा दे रही और उत्साह दे रही, बढ़ावा दे रही, आप जाइए, आप दर्शन कीजिए। सुशीला ने कहा तो एक मन में और उत्साह जागा, अच्छा सुशीला अब तू बता मैं क्या लेके जाऊं। देखो तू तो जानती है वो द्वारिका का राजा है, मैं क्या दे सकता हूं उसको, सोना दूं तो वो भी फीका है क्योंकि वो तो सोने के नगर में रहता है, हीरा जवाहरात में क्या दूँ, लक्ष्मी तो उसके चरणों में रहती है। तो सुशीला तू बता क्या दूँ। सुशीला कहती, स्वामी मैंने सुना है कि भगवान ना तो हीरा से खुश होते हैं ना सोने चांदी से खुश होते हैं, आपको कुछ देना है ना तो जाकर के अपना दिल उनको दे दीजिएगा। मैं तुमको धन क्या चढ़ाऊं, अपना दिल उनको दे देना। बात तो सही है सुशीला, पर फिर भी तू जानती नहीं है कृष्ण बड़ा नटखट है, जरूर पूछेगा कि हमारे लिए क्या लाया उपहार में, तो पहले से थोड़ी तैयारी तो रखनी चाहिए ना। अच्छा ठीक है, ये लीजिए आप, ये घर में कुछ चावल सुशीला ने बांध के रखे थे, उन चावलों को सुदामा को दे दिया, क्योंकि घर की माताओं का ये आदत होती है जब भी पति को कोई ऐसा कुछ धंधे में कुछ मंदा आ गया या कुछ पैसों की आवश्यकता पड़ती है तो सोचता कहाँ से लाऊं कहाँ से लाऊं, तभी भीतर से धर्मपत्नी अपना बटुआ लेके आ जाती है कि लीजिए ये पकड़िए। तो पूछता ये तेरे पास कहाँ से आया, बोले जो सब्जियों के लिए पैसा देते थे ना उसमें से बचा बचा के रख लिया था। अब वो अलग बात है कि वो बीच में घटना घट गई मोदी जी वाली कि सब बाहर निकल आया, तो मजबूरी थी, नहीं तो रखा रखा माटी बन जाए, तो भी निकाल निकाल के फिर मायके में अपने अपने भैयाओं को फोन करती कि भैया बदलवा लाना पर इनको मत बताना। ये माताओं का, स्त्रियों का स्वभाव होता है और यही स्वभाव उनको महान बनाता है। तो देवी सुशीला चावल लेके सुदामा को दे देती, सुदामा स्नान किए, वस्त्र जो फटे पुराने वस्त्र थे वही धारण किए और श्री सुदामा जी द्वारिकापुरी की ओर चल पड़े। कृष्ण को याद करते करते
मन में भगवान का ध्यान करते करते चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं। एक प्रतीक्षा है कि कब जाऊं, कब पहुंचूं और कब मिलूं, क्योंकि ये जो प्रतीक्षा होती है ना, ये बड़ा आनंद देती है। जब आप किसी अपने से मिलने जा रहे हो, जहाँ आपका बड़ा मन है कि यहाँ मुझे जाना है, और आप ट्रेन से जा रहे हैं और वहाँ स्टेशन पे ट्रेन थोड़ी देर लेट हो गई, तो वो जो थोड़ी देर लेट वाला समय है, वो आपको बस लगता कि कब खत्म हो, कब ये समय बीते और कब पहुँचो। ट्रेन में बैठो, पता चले ट्रेन एक घंटा लेट और आपको वहाँ जाना है, आपको वो प्रिय जगह, आपको लगेगा कि कब पहुँचे, कब ये घंटा निकले, कब कटे, क्योंकि वहाँ आपका अपना आनंद है। और वहीं आपको ऐसी जगह भेजा जा रहा है जहाँ आपका कोई मन ही नहीं है, तो भगवान से मन ही मन प्रार्थना करते भगवान कैंसिल करा दे, ट्रेन ही कैंसिल करा दे, क्योंकि वहाँ मन नहीं है। लेकिन जहाँ आनंद होता वहाँ प्रतीक्षा का भी अपना मजा होता, तो इसलिए उसी आनंद को, उसी प्रभु से मिलन की इच्छा को लेकर के श्री सुदामा जी कृष्ण को याद करते करते द्वारिकापुरी की ओर चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे। बाट निहारे घन घनश्याम।